खर्चों के हाथ की बनी सब्जी सबने खिलाऊंगी। कितने प्यार से भेजी है उसने। संध्या बिन्नी तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। बाबू को खिलाऊंगी ये सब्जी, पहले बताऊंगी नहीं, पहले बाबू को इसके स्वाद की तारीफ करने देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि ये सब्जी स्वामी को टिफिन देने वाली ने बनाई है, लेकिन स्वाद एकदम घर जैसा। इसके बाद शायद भाबो बाहर से खाना लाने की मंजूरी दे दे, और फिर घर में कभी भी दिक्कत होगी ना तो भाबो मना नहीं करेंगी। भाबो आइए ना, खाना परोस दिया है मैंने, आ रही हूँ। आइए तो सही, कुछ खास है आपके लिए। जे भी परोस दे साथ में, थारे वास्ते लेकर आई हूँ। परोस दूंगी भाबो, पहले आप देखिए, मैं कुछ खास लेकर आई हूँ आपके लिए, चलिए तो बताइए। आरजू की बनाई सब्जी पहले से थाली में कटे से आई, मैं तो अभी लेकर आई हूँ। कमाल है बाबू, ये मेथी मटर की सब्जी तो मैं भी लेकर आई हूँ। वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ना एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, वहीं ना एक स्वामी नाम का एक आदमी काम करता है, उसे ना एक लड़की टिफिन बनाकर भेजती है, तो उसने मुझे चकाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं आज आपको भी चकाती हूँ, इसलिए मैं भी लेकर आई। ये जरूर वही आदमी है जिसको आरजू खाना बनाकर दे रही है, उसी ने संध्या भिन्नी को चखाया होगा और टिफिन भी उसी ने दिया होगा। ये मेथी मटर की सब्जी आप लाई है? नहीं, मतलब दोनों का रंग भी एक जैसा है, खुशबू भी एक जैसी आ रही है, ऐसा लगता है दोनों एक ही जगह से लाई गई है। स्वाद भी बिल्कुल एक जैसा है, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए ना भाभी, आप कहां से लेकर आई ये सब्जी? वो लाई नहीं, वो दाइसा है ना, उसे कोई टिफन वाली मिल गई थी, उसी से टिफन मंगवाया था, तो यहाँ भी बेच दिया चाकने के लिए। बढ़िया है ने? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं बाबू कि जिस लड़की के बारे में मैं बात कर रही थी और ये टिफिन वाली लड़की, दोनों एक ही है? दोनों के स्वाद में बिल्कुल घर की महक आ रही है ना? घर का स्वाद तो आएगा ही, घर की बीनी ने जो बनाई है। पर्ची में संध्या बिन्नी को कैसे बताऊं? मैं जानती हूं बाबू, आप अपनी आरजू बिन्नी के जाने से उदासी हो गई है। अब वो है ही ऐसी बाबू, घर में जब से आई है रौनक सी लगी रहती है घर में। मैं आपकी बात करवाती हूँ अभी आरजू से, उसे हैदराबाद फोन कर देती हूँ। रुकिए बाबू, रुक संध्या बिन्नी, वो अबारी तो बात हुई है आरजू बिन्नी के साथ, तू खाना खा ले। भाभू, यहाँ पास में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, ये वहीं काम करते हैं, खाने पीने की तकलीफ है, हम अपने लिए तो खाना बनाते ही हैं, तो हमने सोचा हम इनके लिए भी बना देते हैं। माफ करना संध्या बिन्नी, थारे से झूठ बोलते ठीक ना लग रहा है, पर मजबूरी है, कहीं संध्या बिन्नी को पता ना चल जाए कि आरजू बिन्नी पुष्कर में है। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी।
पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। एक मिनट, कौन है आप लोग और किस मनमानी की बात कर रहे हैं बताइए। हम लाख की चूड़ियों के व्यापारी हैं। अभी हाल में हमारे एक दोस्त का माल आपने जब्त किया। मैडम जी, वैसे भी बदलते जमाने के साथ हम छोटे व्यापारियों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और ऊपर से आपके पुलिस प्रशासन हम गरीबों की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। सिस्टम के इसी रवैये की वजह से आज राजस्थान में गिनती के व्यापारी बचे हैं हम। एक तरफ सरकार कहती है धंधा बढ़ाओ, तरक्की करो, और दूसरी तरफ आपकी पुलिस हमारी टांग खींच रही है। माल जब्त करने की वजह जान सकता हूँ मैम? देखिए, जिस लाख के माल की ये लोग अभी बात कर रहे हैं, उस लाख के माल का ना तो इनके पास परमिट है और ना ही बिल। ऐसे में माल लाना ले जाना गैर कानूनी है। पुलिस ने वही किया है जो से करना चाहिए। क्या गलत बात है। मैडम, कौन नहीं जानता कि पुलिस के नाक के नीचे कितने गैर कानूनी काम चल रहे हैं। इधर से माल उधर आता जाता रहता है, मार का चोरी डकैती हर एक वो काम होता है, मगर आप लोग उनको तो पकड़ नहीं पाते। हम जैसे गरीब व्यापारियों को पकड़ते हैं। और लाख का इस्तेमाल चूड़ियां बनाने में होता है। बिल्कुल यही बात हो रही है। ये कोई खतरनाक चीज नहीं है जिसका अपराधी का इस्तेमाल हो। बिल्कुल सही। पुलिस अपने आप को जनता का सेवक मानती है, तो मेहरबानी करके वो माल हमें लौटाएं। सही बात है, वापस कीजिए हमारा माल। मैडम जी, आप पुष्कर व्यापारी संघ आए हैं, कल दूसरे शहरों के व्यापारी भी आ जाएंगे। बेकार में बात बढ़ा के कुछ हासिल नहीं होगा। हम पुष्कर वाले आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लाख ही तो है, छोड़ दीजिए ना। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन, पुष्कर पुलिस, पुलिस प्रशासन, हमारी मांगे करो। पुलिस प्रशासन, बेचारे अपने ही लोगों का शिकार हो गए। कितना आसान है हिंदुस्तान में भीड़ इकट्ठा करना, बस एक चिंगारी लगाने वाला लीडर चाहिए। हमारे एक आदमी ने आवाज लगाई और भीड़ ने उसे शोर बना दिया। भाइयों, मैं भी आपकी तरह लाख का छोटा मोटा धंधा करता हूँ, ईमानदारी की दो रोटियां कमाता हूँ, लेकिन आज पुलिस ने मेरा सारा माल जब्त कर लिया। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ भाइयों, लेकिन आज मैं अगर उनके निशाने पर हूँ तो कल आपकी बारी है। हम लोगों की? भाइयों, मैं चाहता हूँ कि पुलिस की इस दादागिरी के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं, ताकि उन्हें पता चले हम लोग में एकता है या नहीं। हाँ भाई साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वक्त आ गया कि हमें एकजुट होना पड़ेगा। कल इनका समय था, आज अपना है। अब देखता हूं इस दबाव के आगे कैसे नहीं छोड़ोगी तुम ये लाख। छोड़ना ही पड़ेगा संजय राठी। मैं आपकी समस्या समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा पूरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी समस्या का जल्दी से जल्दी कोई हल निकालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं कानून के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं ले सकती। जब तक उस लाख के माल का बिल नहीं आ जाता, मैं वो माल नहीं छोड़ सकती। मैडम जी, ये तो सरासर जिद है, पुलिस की मनमानी है। अभी चाहिए हमें, अभी चाहिए। एक मिनट, बिल मिला मुझे, बिल और परमिट आप लेकर आइए, उसके बाद माल मिल जाएगा आपको। हमारे बीवी बच्चे, चलो जिद है। स्वामी, ये काम इतना धीरे क्यों चल रहा है? तुम्हें मैंने कल भी कहा था ना, 23 को प्रोग्राम है, रिहर्सल्स भी बाकी हैं, मुझे काम चाहिए, अभी तक आधा भी नहीं हुआ है, क्यों? अयो माफ करना मैडम जी, वो कुछ जरूरी सामान अभी तक पहुंचा नहीं, आज शाम तक आ जाएगा। देखो, मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी सारा काम पूरा चाहिए। तौला पड़ा देगा मैडम, वक्त पर काम खत्म हो जाएगा। डोंट वर। अगर पुलिस अपनी दादागिरी नहीं बंद की, तो यहाँ टाउन हॉल में होने वाले
सम्मान समारोह हम होने नहीं देंगे, बल्कि हम पुलिस के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू करेंगे। पुलिस प्रशासन हाय हाय गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान की ये बेटी जिद्दी है तो हम पाकिस्तानी भी महाजिद्दी हैं। लाख तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा संध्या राठी। जो हाँ भाई सर, जल्दी हाथ चला। नारियल की बर्फी का ऑर्डर टाइम पे पहुंचाना है। अरे आज ही नारियल पड़ा, ऐसा क्यों है? हाँ भाई साहब, आज कुछ अलग अलग सही लग रही है। अच्छा, ठीक है ना भाई साहब, कहीं चला तो नहीं ना? नहीं। ये क्या, सारे नारियल पीले के जैसे क्यों? पता नहीं भाई साहब, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। इस सारे नारियल का रंग देखिए भाई साहब, अंदर से कुछ बदला सा है, पानी भी पीला पीला सा है भाई साहब। अरे ये तो गजब हो गया। पता है आज क्या हुआ? आज जैसे मैंने मंदिर में नारियल फोड़ा, पास ही रखे दिए से नारियल के पानी में आग लग गया, जैसे इसमें केरोसिन और पेट्रोल रखा हो। मैं तो बहुत डर गई हूँ, पता नहीं कैसे हो रहा है ये सब। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैंने जैसे ही सब्जी में डालने के लिए नारियल फोड़ा, गैस से आग पकड़ ली, जलते जलते बची हूँ मैं। चलो चलो पंडित के पास चलो। भाई जी, मुझे लगता है कि ये यहाँ की बात नहीं है, दो चार नारियल की बात ना है, ये हर किसी के साथ हर जगह पे हुआ है। हमें इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए। चलो संध्या, एक मिनट। जी सर। सुनो, काम बंद करो, बंद कर दो थोड़ी देर। संध्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। हाल में ही पुष्कर बाजार से खबर आई है कि वहां के नारियलों में मिलावट हो रही है। क्या? और हैरानी की बात हुई है कि जैसे ही ये नारियल आग के कांटेक्ट में आते हैं, उसके अंदर जो पानी है उसमें आग लग जाती है। हमने उनको चेस्ट भी भेजा था लैब में, और जो रिपोर्ट आई है वो इतनी खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर जो केमिकल मिलाया गया वो एक टाइप का क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड केमिकल है, हाईली इंफ्लेमेबल, बहुत ही जल्द आग पकड़ता है। संध्या, तुम जानती हो कि होली का त्यौहार पुष्कर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पर। जी सर। और ये नारियल अगर होलिका में इस्तेमाल किया गया तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, लाखों लोगों की जान जाएगी। संध्या सर, कहीं गुल का प्लान पुष्कर में ये तो नहीं था कि होली का दहन में डलने वाले नारियल में मिलावट कर उन्हें धमाके के लिए इस्तेमाल कर सके, ताकि लोग अपने हाथों से उसे आग में झोंके और धमाका हो। हाँ संध्या, हो सकता है ये गुल की ही चाल हो, हमें इससे निपटना पड़ेगा। तुम एक काम करो, मीडिया को बगैर बताए ये सारे नारियल बाजार से जमा करो। जी सर, अभी करती हूँ। और हाँ, ये लाख का जो केस है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, इसकी फाइल जो है ऑलरेडी पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है, इस पे से ध्यान हटा के इस इवेंट पर ध्यान दो तुम। सर, सबसे पहले ये नारियल वाले मामले को निपटाते हैं, ये लाख का मामले को तो हम बाद में भी देख लेंगे, मैं इसको बाद में निपटा दूंगी। संध्या, समझने की कोशिश करो, उद्योग मंत्री तक ये बात पहुंच चुकी है, हमारे पास स्ट्रेस है, ये केस बहुत खिंच चुका है, आग की तरह फैल रहा है,
अगर हमने इसको नहीं संभाला तो पुलिस डिपार्टमेंट में कितना प्रेशर होगा तुमको मानती हूँ। एक काम करो, बाहर जाके जितने भी व्यापारी इलाके खड़े हैं उनसे बातें करो, सेटल करो इस मामले पर। पुलिस ने लाख का माल छोड़ने का फैसला कर लिया। शांत होइए। देखिए, हमारी कोई आपसे जाति दुश्मनी नहीं है। ये लाख का माल आपकी सुरक्षा और नियमों का पालन करने के लिए ही जब्त किया था। अगर आप हमें हमारे काम में सहयोग दें तो हमारा काम आसान हो सकता है। जय हिंद। नारियल में मिलावट का पकड़ा जाना तुम्हारी काबिलियत नहीं, मेरी लाख पर से तेरा ध्यान हटवाने के लिए चली चाल। मैंने ही उनमें केमिकल मिलाया। अफसोस संध्या राठी, इधर तू अपनी कामयाबी पर पीठ थपथपाएगी और उधर मेरा लक्ष्याग्रह तैयार हो जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।